पर हुआ। बोलिए मैया बाबू गोदन श्री राम चंद्र जी की जय। तो एक बार जोर बात आ गया हमारे मुख्य अतिथि अतिथि जी कहले। तो इसके बाद हे नाथ आज क्या अभिनय होगा, दासी को इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया है। अभिनय करने व सुनने को बार बार जी चाह रहा है। हे प्राण प्यारी, आज का नाटक संसार के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यह नाटक माता पिता की भक्ति, भ्रात प्रेम, पतिव्रत धर्म, सुंदर मित्रता, सत्य की असत्य पर विजय की शिक्षा देता है। मुझे श्री रामचंद्र जी के चरित्र का अभिनय करने की इच्छा हो रही है। प्रियतम धन्य है दशरथ नंदन रघुनाथ, श्री रामचंद्र जी का जीवन ऐसा ही पावन व मनोहर है। निसंदेह इसी का अभिनय शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। श्री प्रपति रामचंद्र, श्री महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपने बल की परीक्षा
अली लेता हूँ। मैं अली कैलाश पर्वत जाकर माता पार्वती और शिव जी को उठाकर अपनी लंका ले जाऊंगा। देखो जी देखो हे मेरे बंधु, कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ, चारू जाकर नगर ले जाकर बाहुबल में दिखा रहा हूँ, चारू जाकर नगर ले जाकर दिखा रहा। देखो जी देखो हे मेरे हे नाथ, आज अचानक कैलाश पर्वत हिलने का क्या कारण है? हे प्राण प्यारी, आश्चर्य की कोई बात नहीं, पर्वत हिलाने वाला वही दुष्ट दुराचारी वो अभिमानी रावण है। मैं इसके घमंड को अभी दूर करता हूँ। हे नाथ, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हे प्राण प्यारी, यह वही रावण है जिसका हाथ अपने से वह चिल्ला रहा है। हे नाथ, दया करके उसे छोड़ दीजिए। हे नीच, तूने ऐसा घृणित कार्य किया है, जा तेरा जन्म राक्षस कुल में हो। आज हमारा जग में सारा, आज हमारा जग में सारा, सुधारा थी ये सताओ, तेरे सिंह रहो, सुख पूर्वक रहो। तुम लोग वन में किस कारण आए हो? लंकेश की कुशल कहो। हम अपना रख इस कड़े में चढ़ाते हैं और अपने आदर से कहना कि यह रक्त का कड़ा तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। एक बार उठा कह गुरु कल जो काटी राखी दिलो त्यार उन्हें पार्टी में कौन गुरु राजा न होता था। गुरु मैं तुम्हें एक उपाय दूं, तो कल गुरु गोंद पकाया उमर समा ला गया, ठीक हो गई मने मामा तो आया अपना पेट भर का आलो बरियार खाने का गुरु बरियार नंदे इन गुरु उनकी थे इन गुरु उनकी ना उन्हें बोल उन्हें बोल नंदे कर ला न मिला न अंजलेगी, जब अंजलेगी अंजली मिल जाए ना वो दिन हवाल तुम्हारे इस माय असिस्टेंट इस घड़े को उठाओ और लंका नगरी से दूर मिथिला नगरी में ले जाकर कहीं खेत में जिससे राजा जनक का सर्वनाश जरूर होगा। जय हो, कल्याण हो, लोगों में सम्मान हो। अम्मा दया जगाई
अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और इन राक्षसों का संहार करूंगा। तुम तब तक पृथ्वी में वानर का रूप लेकर के पृथ्वी पर विचरण करो। आज आपका चंद्रमुख मलिन क्यों है? वो कल सखिया वो कल सखी नहीं संतरी। सिंह उनको बनाओ और उत्कृष्ट यज्ञ की तैयारी करो। भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप माता कौशल्या को दिखाया। घर पहुंच गए।